बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता करके मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। भाजपा के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछे सवाल, कहा कि क्या कारण था कि 2018 में देवव्रत सिंह को जोगी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा। स्वर्गीय देवव्रत सिंह का पुतला दहन करने वाली पार्टी आज वोट लेने के लिए उनकी प्रतिमा बनाने का वादा कर रही है। भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर सवाल दागते हुए पूछा कि 2018 से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में क्यों कोई विकास कार्य नहीं हुए। उन्होंने बताया कि कैसे छुई खदान में कांग्रेसी नेताओं के इशारों पर अधिकारियों द्वारा भगवा ध्वज निकलवा दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने का आरोप पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने लगाया। के खिलाफ और कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज करे, हमारे संज्ञान में ये बात भी आई है कि खैरागढ़ के डीएफओ जिनको ट्रांसफर कर कवर्धा से यहां पर लाया गया सिर्फ चुनाव को मैनेज करने के लिए, और वो फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारियों को बुलाकर दबाव डाल रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम करिए, और वन मंत्री को यहां पर बैठा दिया गया है।